तो आजकल कोरोना के चलते कुछ लोगों की लकी पड़ी और कुछ लोग ऐश कर रहे हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं वो लोग मेनली स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि लॉकडाउन अनाउंस हुआ था मार्च में और स्टूडेंट्स का एग्जाम यूनिट टेस्ट 1 होता है अप्रैल में, मतलब इस पर यूनिट टेस्ट नहीं हुआ और इट मींस टेस्ट पोस्टपोन्ड। ये वेट, इट पोस्टपोन्ड नॉट कैंसिल। मेरे स्कूल के लिए आप लोगों का तो पता ही नहीं, सो ऐसे ही चिल स्टूडेंट्स फुल्ली चिल्ड। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से जब जब स्टूडेंट्स ऐश करते हैं तब तब उनकी मारी गई है। सो गेस व्हाट, इस बार रिजल्ट मारेगा। सो जैसा तुम लोग जानते हो 10th का फाइनल एग्जाम फरवरी या फिर मार्च में ही होता है। सो जिन जिन लोगों ने इस बार 10th का एग्जाम दिया है उनकी फटने वाली है या फिर ऑलरेडी फट चुकी है, डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। तो अगर तुम टॉपर हो तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, और अगर तुम लोग मेरे जैसे हो कि फर्क ही नहीं पड़ता हम टॉप कर रहे हैं या फिर अच्छे मार्क लाए, हम तो सिर्फ पास होने से ही मतलब है। तो भाई लोग, अगर तुम लोग इस कैटेगरी में पढ़ते हो तो तुम दो दिन से ही सोच रहे हो कि अंडरग्राउंड जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि तुम लोग जानते ही हो कि तुम लोग सिर्फ पास करोगे, सिर्फ पास करोगे। और जब तुम्हारे मम्मी डैडी ने ये सवाल तुम्हें पूछा कि एग्जाम कैसा गया बेटा, तो तुम लोगों ने एक ही जवाब दिया होगा, मैं जानता हूँ पापा मम्मी, पूरा पेपर लिख के आया हूँ मम्मी, एकदम टॉप करूंगा मम्मी, एकदम टॉप, फुल मार्क्स आएंगे मम्मी, टेंशन मत लेना, रिजल्ट के दिन बिरयानी बनाना मम्मी। और तुम ये कह कर निकल आते थे, क्योंकि भाई सेम मार दो दिन खाने से अच्छा है एक ही दिन खा ले, उसी में ही भलाई है। और जब तुम तुम्हारे पापा को कह ही रहे थे कि तुम टॉप करोगे, तब तुम्हारे पापा अगर कह भी दे कि अच्छा है, लेकिन वो भी मन ही मन सोचे ये टक्कर का कथा टॉप, ये टॉप करेगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। तो भाई लोग ये थी हम जैसों की कहानी, और अगर तुम टॉपर हो तो तुम्हारा तो कुछ अलग ही दिन चल रहा है। जैसे कि आपको विश्वास हुआ था जब आपने सुना कि 100 100 100 और बीच में एक 99? इट वाज बैक ऑफ माय माइंड दैट ही कैन डू बेटर, बट 499 इज आउट ऑफ बॉक्स। तो भाई लोग, जैसे तुमने देखा कि अब्बा जो थे बाली तुन के, उन्होंने कहा कि उन्हें एक मार्क ना मिलने का दुख है। मतलब क्या हम अगर 50 मार्क भी ला दें तो हमें तो कह देते हैं हमारे मम्मी पापा इस बार इम्प्रूव किया है, अच्छा है। और यहाँ पर उनके पापा को ये दुख है कि उनके बेटे को एक मार्क ना मिला। मतलब ओ भाई मारो, मुझे मारो, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है वो भाई। तो गाइस आज के लिए इतना ही होगा, इसके ऊपर आज मैं नहीं जा रहा क्योंकि अगली बार भी तो बनाना है। तो हम बैक बेंचर्स एग्जाम देते रहेंगे और पास करते रहेंगे। और भाई लोग, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो तुम लोग जानती हो कि क्या करना है, अगर नहीं जानते तो तुम्हारा भाई है ना बोलने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करो, अगर तुम इस चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से और एक नई अमेजिंग मसालेदार चटपटे नमकीन जैसा भी वीडियो, तो जैसा भी वीडियो बनाऊँ, तब तक के लिए बाय बाय।